बिजनौर के अकबराबाद रोड पर गत दिनों हुई लाखों रुपए की लूट का बिजनौर स्वाट टीम व कोतवाली देहात पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। लूट में वादी पक्ष के लोगों में से एक युवक भी शामिल था। आरोपियों ने फिल्मी अंदाज में घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद से लगातार पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दूर भाग रही थी। फिलहाल स्वाट टीम व स्थानीय पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से लूटी गई रकम में से 2,52,000 रुपये भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। बिजनौर जनपद के कोतवाली देहात थाना के अकबराबाद रोड पर 14 जून को 10,78,000 रुपये की किसान सहकारी समिति लिमिटेड का पैसा लूटा गया था। उस समिति के एक फोर्थ क्लास एम्प्लाई गोपाल दत्त शर्मा और एक सहायक एक महिला आ रहे थे। 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 बदमाशों ने इनसे पैसा लूटा था। आज स्वाट पुलिस एवं स्थानीय पुलिस द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 2,52,000 रुपया, 2 मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त हुआ था, तमंचे, मोबाइल फोन आज बरामद किए गए हैं। एक अभियुक्त जुल्फकार इसकी गिरफ्तारी शेष है। इन सभी अभियुक्तों को PCR पर लेकर के जुल्फकार को अरेस्ट करके शेष धन की रिकवरी की जाएगी। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। इनका गैंग पंजीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस टीम को 15,000 रुपया पुरस्कार दिया गया है इस घटनाक्रम का पर्दाफाश करने के। इसमें सर जो समिति के कर्मचारी थे, क्या उनके परिवार के लोग इन्वॉल्व हैं इस घटना में? वादी पक्ष जो समिति के भी 2 लोग थे, एक महिला का बेटा, पूरे घटना को अंजाम देने में साजिश करता वही था। उसी के तहत सर्विलांस टीम और स्वाट टीम ने केस को ब्रेक थ्रू किया और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई और पैसे की बरामदगी हुई। थैंक यू।